उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरण कार्यालयों पर आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स मीट को लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी संस्थाओं से सुझाव मांगे गए। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित प्राधिकरण कार्यालय पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद की तमाम इन्वेस्टमेंट करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने की। इस दौरान प्राधिकरण के आला अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पहुंचने वाले प्रत्येक सम्मानित नागरिक को प्राधिकरण के आला अधिकारियों द्वारा बुके देकर मुख्य द्वार पर स्वागत किया गया और बधाई भी दी गई। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, विशेषकर रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशकों से व्यापक विचार विमर्श इस आयोजन पर किया गया है। इससे मुरादाबाद शहर में ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लगभग 25 निवेशकों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 2,000 करोड़ से अधिक का निवेश मुरादाबाद में किया जाने वाला है। प्राधिकरण द्वारा आयोजन में ही नए प्रस्ताव के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से किया गया है। हेल्प डेस्क के माध्यम से की गई है। शुक्रवार को आयोजित इन्वेस्टर मीट में मुरादाबाद के इंजीनियर द्वारा भी अपने अपने विचार रखे गए। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग प्रमुख सचिव द्वारा भी संबोधित किया गया और प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण से बिंदुवार वार्ता की गई और सुझाव मांगे गए। प्रोग्राम के अंत में चीफ इंजीनियर नीरज गुप्ता ने कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत किया और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व प्राधिकरण की पूरी टीम द्वारा सभी को शॉल उड़ाकर और स्मृति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज की मीट में शामिल होने के लिए और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए मैं आप सभी का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी हम सब लोग इसी प्रकार से एकत्रित होते रहेंगे और एक दूसरे की बातों को गौर से फरमाते हुए सुनते हुए उसको कार्यान्वित करने की पूरी चेष्टा। विदित हो कि मुरादाबाद शहर के विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा लगातार हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है तथा मुरादाबाद का विजन 2051 प्लान भी सभी स्टेक होल्डर्स, वरिष्ठ अधिकारी व नव प्रयोग, नियोजन, आवास, निर्माण, विकास, तकनीकी आदि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार विमर्श कर तैयार किया गया है। साथ ही मास्टर प्लान 2031 अंतिम चरण में है। इस आयोजन में गजरौला क्षेत्र से भी काफी निवेश आने की संभावना है। देखिए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग विकास कार्यक्रमों में लखनऊ में सेंट्रल कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन आज किया गया था। इसमें मुरादाबाद विकास कार्यक्रम के द्वारा भी यहाँ कार्यालय स्थित सभागार में इस इन्वेस्टर मीट का आयोजन यहाँ किया गया और इसमें जो है कुल मिलाकर के 30 MOUs टोटल साइन हुए हैं अभी तक। इसका प्रयास हम लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे। 30 MOUs लगभग जो है वो 2500 करोड़ की कीमत के हैं और ये 30 परियोजनाएं जो हैं इनको शीघ्र ही हम लोग शुरू कराने का प्रयत्न करेंगे और इनकी जितनी समस्याएं हैं उनका भी जो है रेगुलर समीक्षा करते हुए इन समस्याओं को भी हम लोग दूर करवाएंगे, जिससे कि जो है शहर में एक अच्छा वातावरण तैयार हो इन्वेस्टमेंट का और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को एक अफोर्डेबल हाउसिंग मिले।